स्टोन यूज होता है, ये होता है मेम्ब्रेन स्टोन। अच्छा, ये किसी मसाले से तैयार होता है। जी 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 जी। और ये मसाला उतरेगा, ये डाइजेशन नहीं होता। अच्छा, ये जो मसाला एक दूसरे के साथ जब घिसते हैं, रगड़ते हैं, तो इसका कुछ मसाला घिस करके आटे में आ जाता है और फिर तमाम तरह की आंतों में समस्याएं या फिर हमारी जो हम कहें कि जो किडनी स्टोन वगैरह बनाते हैं, पथरी बनती है। अच्छा अच्छा, वो इससे ठीक है। ठीक, पथरी बनाने के मेन कारण ही आटा और पानी होता है। अच्छा, इसमें जो अनाज है वो पिसता किस तरह से है? ये जो पंखे का जो स्पीड होती है, ये इसको अनाज को इस पे फेंकती है दांत पे। अच्छा ठीक है। और इस दांत पे लगते है उसके दो हिस्से कर देती है, स्पीड इतनी तेज होती है और उसके दो हिस्से जब तक होते रहते हैं अंदर ही अंदर टूटता रहेगा। और इसमें क्या रहता है, इसमें फ्रंट में जाली रहती है, यहाँ से हवा खींचती है। अच्छा अच्छा ठीक है। यहाँ से हवा खींच के पंखे के थ्रू हवा यहाँ से क्रॉस होती है और इस कपड़े के थ्रू बाहर आ जाती है। बाहर आती है, ठीक है। अब जब हवा जब यहाँ जाएगी ना, तो अपने साथ आटे के दाने को भी लेके जाएगी, लेके जाती है। ठीक है, यस। ये देखें, जीरो होगा, हाँ लो हो गया। दोनों में डाल दें, एक एक डाल दें, बराबर एक सौ उसमें डालिए। यस, डाल करके छोड़ दें, वो अपने आप बीप बीप जो करेगा। छोड़ दे। ये देखें, इसमें 108.3 के आसपास फ़ारेनहाइट पर जा चुका है, 109.6 हैं। और इसमें देखें आप, 95.6, 95.8, 96.5 और इसमें देखें हाई दिखा करके, और टेम्परेचर जो है वो बफ मार गया। तो जो चक्की है, एक चक्की ये है और एक चक्की यहाँ पर है, इन दोनों में तुलनात्मक आप जो अंतर है वो जरूर देखें। जी कप्तान साहब बताएं। सेम टेम्परेचर पानी है दोनों के लिए। अच्छा, दोनों टेम्परेचर है लो करके और दोबारा इसमें डाल के वो चेक करेंगे, फिर उसके बाद आटा निकलेगा जो उस आटे का टेम्परेचर चेक करेंगे। अच्छा, तो इनका जो टेम्परेचर है वो चेक करवाने से पहले एक बार जो है वो थर्मोमीटर हैं, दोनों एक ही क्वालिटी के हैं, दोनों को ये देखें सेट कर लिया गया है, लो दिखा रहे हैं पानी में डाल करके, और ये दिखाने का प्रयास कि दोनों सर्विसिंग है। एक बार जीरो दोबारा सेट करें, बीप कर गया वो, हाँ ऑफ, हाँ ऑन करें, हाँ ठीक है, एक सेकंड लो आने दें, हाँ ठीक है अब डाल दें। ये देखें लो दिखा दिया है और ये देखें 95.,, 96. समथिंग, 96.1, 96.1, ये देखें दोनों एक ही तापमान, 96.1 और दूसरे में भी है 96.1। बाहर निकाल लें और दोनों को दिखाएं, हाथ पे रखिए, दोनों एक कंपनी के हैं, ये देखिए लिया है हमने 96.1 डिग्री फ़ारेनहाइट और इसमें भी 96.1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो थर्मामीटर से अब आपको टेस्ट करवाएंगे कि चक्की से जो आटा हिस्से निकलता है और इस चक्की से जो आटा निकलता है, दोनों में कोई फर्क है तापमान में या नहीं। आ जाएं, खाली बाल्टी दिखाएं एक बार, ये देखें खाली बाल्टी दिखा दिए, इसका जो है गल्ला वो दिखाएं, खाली, हाँ स्टॉप वॉच ले आए। ये देखें खाली है, ठीक है ठीक है। तो आप तकरीबन 4 मिनट तक इसे चलाते हैं, स्टॉपवॉच एक साथ समय इनका शुरू करेंगे और फिर आप खुद विश्लेषण करें कि किसमें है, स्टार्ट करें, हाँ करो कर दो, हाँ ठीक है दबा दो, और खोल लो उसको, ये देखें उसको भी चालू कर दिया गया है और इसको भी चालू कर दिया गया है। ये देखें आवाज सुने, ये भी चालू हो चुकी है, ठीक है चालू हो चुकी है। तो जो अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित ने कहा था कि तेल और अन्न को जब हम पीसते हैं, आटा जब उसका करते हैं, वो एक ही बार गर्म होना चाहिए और वो आपकी रसोई में होना चाहिए। जबकि आज तमाम जो ऑयल कंपनियां हैं, जो मील हैं, बड़े बड़े लोहे के जो बर्मे उनमें घिसते हैं, तो जो तेल निकलता है उसमें भी तापमान में निकालते समय अत्यधिक वृद्धि होती है, और आटा जब हम पीसते हैं तो बड़ी बड़ी
चक्की जो हाई आरपीएम पर जब घूमती हैं तो उसमें भी आटा जब निकलता है तो वो काफ़ी काफ़ी गर्म होता है। तो आज यहाँ पर एक देखने का प्रयास है, ये देखें ये चल रही है, और ये जो ऑर्गेनिक अगर हम गेहूं उगाते भी हैं तो उसमें जो पोषक तत्व हैं वो आधे से ज़्यादा तो उस समय ख़त्म हो जाते हैं जब हम इनकी प्रोसेसिंग करते हैं या फिर अन्न को जब हम आटे में परिवर्तित करते हैं। तो उसके लिए ये जो युवा साथी हैं, ये कप्तान लंबरदार ऑर्गेनिक फार्म पर जो आए हुए थे, तो अपनी चक्की का एक यूनिट मॉडल के तौर पर या दिखाने के तौर पर कि इसमें क्या अंतर है और इसमें क्या अंतर है, तो उसको यहाँ पर टेस्ट करते हुए कि क्या तापमान इनका निकलेगा। कितना समय हो गया है ये देखें, तकरीबन 1 मिनट और 57-58 सेकंड, तकरीबन 4 मिनट तक चलाएंगे और फिर दोनों थर्मामीटर को रेडी रख लेना। अच्छा आपके पास, ठीक है ठीक है। तो आज जो हमारा समाज है वो सिर्फ और सिर्फ धनोपार्जन के पीछे है, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कौन से अन्न की क्या तासीर है, कौन से तेल कौन से सीजन में खाया जाता है, तो वो जो है उसका ज्ञान। हाँ जी बताएं, आ जाएं बताएं। देखो सबसे बढ़िया आटा होता है जो हाथ वाली चक्की का, बिल्कुल अगर वो अवेलेबल हो जाए तो देखो सोने पे सुहागा है जी। अगर वो सबके पास में नहीं हो सकता, अब आज आदमी सब ये सोच चाहते हैं रेडीमेड होना चाहिए। हाँ हाँ, पहले मेहनत किया करते थे जो भी लेडीज होती या जेंट्स होते आदमी अपना काम वर्क करते थे। अब तो ये सोचते हैं बटन दबाया और हमारा काम हो जाए बस। अच्छा, सारा काम आदमी सोचता है फोन से ही हो जाए, हमें कहीं आना ना जाना ना पड़े। लेकिन फिर भी मैं तो यही बोलूंगा भाई, जिस भी चक्की में अगर वो नहीं हो सकता तो जिस भी चक्की में आटा गर्म न हो वही चक्की अच्छी होती है, चाहे कोई सी भी चक्की हो। अगर हमारे पास में जैसे खाने के लिए छोटी चक्की रखी है, मैं बताऊंगा अगर हाथ वाली का सिस्टम कई बार सोच लिया, लेकिन इस चीज में मैं थोड़ा बताऊं, एक बात तो पूरी कर लेता हूं। उसमें भी हम थोड़ा जैसे पिसाई किया 4-5 किलो और रोक दिया, जैसे गर्म होने से पहले ज्यादा गर्म न हो उस दौरान हम फिर बीच में रेस्ट कर देते हैं। अच्छा हाँ जी, अच्छा अब आज ये भाई आए हैं अपना ये चक्की। बाकी मैं फिर कहना चाहूंगा नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन, नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन का मतलब है अच्छा बेहतर विकल्प आपके पास क्या है। मान लीजिए हाथ वाला हमें सभी पता है, समाज को आज बताने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें पता है कि हाथ की चक्की के जो आटे की होड़ आज हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो समय वापिस लाया नहीं जा सकता। तो अभी के समय में अगला विकल्प बेहतर विकल्प क्या है, तो उसके ऊपर आज हमारा समाज जो है वो शिफ्ट करता है। तो ये देखें 4:10, 4:11, 12 तकरीबन इसको 4.5 मिनट तक एक बार ले जाएंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि दोनों के तापमान में क्या हमें फर्क देखने को मिला। वो कहाँ है आपके थर्मोमीटर? अच्छा आपके पास, आपके पास है जी। तो भाई एक कप्तान साहब को दे दो जी, बंद कर दें दोनों बंद करें। ये देखें 4:30 पर दोनों को बंद करवा लिया गया, ठीक है। एक बार थर्मोमीटर को आगे ले आए, ठीक है नहीं, एक सेकंड, और बाल्टी को उठा लाएं, उस चक्की की बाल्टी को उठा लाएं। हाँ इसकी भी ले आएं, यहाँ सामने रखें जी, सेट करें नीचे रखें। हाँ यस, ये देखें 0 होगा, हाँ लो हो गया, दोनों में डाल दें, एक एक डाल दें बराबर, एक सा उसमें डालिए, यस डाल करके छोड़ दें, वो अपने आप बीप बीप जो करेगा। छोड़ दे। ये देखें इसमें 108.3 के आसपास फ़ारेनहाइट पर जा चुका है, 109.6, और इसमें देखें आप 95.6, 95.8, 96.5, और इसमें देखें हाई दिखा करके और टेम्परेचर जो है वो बफ मार गया, और यहाँ पर अभी भी 98.3, 98.8, 99.2, 99.3, ये देखें आप।
तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, जो है सुस्पष्ट है। ये 109 पॉइंट कुछ पार कर गया था, ये अभी 101। अब आप ये कहेंगे ये 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ना कि 101 डिग्री सेल्सियस। 101 डिग्री जो फ़ारेनहाइट होती है, अपना जो मानव टेम्परेचर है वो तकरीबन 98.6 के आसपास रहता है फ़ारेनहाइट में। ये देखें 102.7, 102.8, 103 के आसपास, और ये जो है ये ऑलरेडी हाई दिखा चुका है। 109 तक हमने देखा था, लेकिन हाथ में और देखो हाथ लगा के आप एक बार। जी जी जी, सोनीपत से आए हैं, महान भाव हैं। हाँ, और इसको देखो, जी जी, कौन सा आपको लगता है गर्म है? छोटे वाली बाल्टी का गर्म है, इस वाली बाल्टी का गर्म है, गोल वाली जो बड़ी बाल्टी है इसमें टेम्परेचर कम, इसमें टेम्परेचर कम है। ये हाथ से भी अनुभव होता है, आप आराम से जज कर सकते हैं इसको। जी, जज कर सकते हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष दिखाने की जरूरत है। अगर आप इसको प्रमाणित करते कि ये ठंडा है ये गर्म, तो ये सोचते कि आपको कुछ दे रखा है। एग्जैक्टली नहीं, हम सोनीपत से आए हैं, बीज लेने के लिए आए थे। अच्छा अच्छा, लेकिन हमें जज करने के लिए निष्पक्ष निष्पक्ष जी निष्पक्ष भाव से हमारा यही कह रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस चक्की का आटा गर्म है और उसका कम टेम्परेचर, तो ये देखिए क्वांटिटी के हिसाब से, वजन के हिसाब से वो बीप कर जाएगा तकरीबन 104 पॉइंट समथिंग के आसपास, वो भी बहुत धीरे धीरे बढ़ा। ये देखिए बीप कर गया शायद, ये देखिए 104.9 के आसपास, और वो भी धीरे धीरे बढ़ा है। तकरीबन 5-7 जो डिग्रियों का इसमें खूब खूब फर्क हमें देखने को मिला, तो 109 से भी ऊपर गया होगा। और ये 109 स्टार्टिंग में ही, और ये देखें उसी टाइम हाई कर दिया, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन जैसे जल्दी से पिसने का इसमें देखने को मिला है। अच्छा अच्छा, इसमें ज्यादा होया है। अच्छा, दोबारा बताएं इसमें, क्योंकि वो जो चक्की की जो HP है, हॉर्स पावर जो है 1.37 है, ये देखें, और ये जो थी ये तकरीबन 1 HP की थी, ठीक है। तो इसमें एक घंटे में आपने, सॉरी हाँ, एक घंटे में कितना प्रोडक्शन बताया आपने? इसमें 9 से 10 किलो, 9 से 10 किलो आटा निकलता है, ठंडा रहता है, ठंडा भी रहेगा, प्लस आपका चोकर भी पिस जाएगा, प्लस आपकी छाणस भी पिस जाएगी, छाणस भी पिस जाती है, ठीक है। 10% 20% न्यूट्रिशन जो लोग छाणस में निकाल के साइड ही डाल देते हैं, कूड़े में जाता कहीं होगा, जी जी जी, बल्कि वो भी मिलेगा पूरा का पूरा। अच्छा, वो भी इसमें, क्योंकि जो जाली आपने इसमें बताई है, खोले ये देखिए, ये जैसे छाणस इसमें रुका हुआ है, हाँ हाँ, इसको अगर पूरा टाइम दिया जाएगा 2 मिनट का भी। अच्छा, तो इसको भी पीस, तो इसको भी पीस के खत्म कर देगी, साफ हो जाएगा अंदर से सारा। अच्छा, तो ये इस मैकेनिज्म पर काम करता है, ये देखें आप, इसमें ये हिस्सा है और दो जो पार्ट है ये कभी भी आपस में टकराते नहीं। अच्छा अच्छा, और आपने बताया कि एक बार इसको डाल दो और बंद कर दो और ये अपने आप ऑटोमेटिक चलती रहती है, और उसमें जो चुनौती आती है कि अगर गाला चल रहा है, लाइट चली गई, तो पहले गाले को क्लियर करना पड़ता है, तब जाकर के आप इसको दोबारा चला पाते हैं। जी, और आपने और एक और अंतर बताया था इन दोनों में, ये है कि एक तो साथ बैठना पड़ता है। अच्छा, मेन पॉइंट उड़ेगा जो वो भी लगेगा। अच्छा, एक मैन पावर की यहाँ पर खपत होती है, खपत होती है। अच्छा, इसमें कोई जरूरत नहीं होती, इसमें कोई जरूरत नहीं, अपने आप कहीं भी जा सकते हो। अच्छा, डालो और चले जाओ, जब इसमें से अनाज खत्म हो जाए अपने आप बंद हो जाए, अपने आप बंद हो जाए, लाइट चली भी गई तो उस बात में ठीक बंद हो जाए, लाइट आ गई तो भी चालू हो जाए, तो अच्छा अपने आप चल जाएगी तब। भाई, बहुत अच्छा मॉडल आपने इजाद किया है, तो मैं जानना चाहूंगा एक बार फिर आपके संपर्क सूत्र बताएं और लोकेशन बताएं। मेरा सर हेमंत नाम है, मैं श्री गणेश इलेक्ट्रिक कंपनी से हूँ। अच्छा, आपकी खुद की कंपनी है या किसी की? आप MR, वो रिप्रेजेंटेटिव? मेरे पापा की कंपनी है। अच्छा, मैं मार्केटिंग ज्यादा करता हूँ। अच्छा अच्छा, आप मार्केटिंग, वहाँ पे वो देखते हैं। अच्छा, फादर साहब देखते हैं आपके? जी जी, साथ में 25 साल उन्हें खुद हो गए, 30 साल से ऊपर का उन्होंने एक्सपीरियंस अपना दे रखा है इस मशीन को। अच्छा अच्छा, आपने बताया कि पहले बिजली की आप कुछ काम कर, मोटरों का काम करते थे? पहले पानी की मोटर, हमारी पानी की मोटर भी वैसे मार्केट से बहुत हैवी रहती है, करम टनों से भी। अच्छा, वो भी मार्केट रेट में भी और काम से भी। चलो भाई, बहुत बढ़िया, तो संपर्क सूत्र एक बार अंत में जरूर बताएं। मेरा सर फोन नंबर रहता है कि 8930 8930 8010 1018 1018। एक जो मेन नंबर है 9215 9215 8761 8761। तो कप्तान लंबड़दार सर हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके फार्म पर ये गेहूं खरीदने के लिए आए थे, लेकिन साथ में एक यूनिट रखे, तो इस डेमोन्स्ट्रेशन से या इस
जो प्रदर्शन करके दिखाया इससे आप क्या अंतर आपने देखा? अंतर मिला, टेम्परेचर का अंतर है इसके अंदर। बाकी अगर अंतर नहीं होता तो मैं ये बोलता भाई कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। टेम्परेचर का जो लाइव देखा है हमने भी देखा है टेम्परेचर के द्वारा, ये दूसरे भाई भी आए हुए हैं। चलो टेम्परेचर तो एक चीज है, लेकिन इसमें दो पार्ट घिसते हैं तो मसाला जो है जिसको पत्थर की शेप दे रखी है वो भी घिसकी हमारी अंतड़ियों में जब जाता है तो वो किडनी स्टोन और उसका निर्माण करता है, उसमें इस तरह का घर्षण कोई देखने ना? वो घर्षण तो नहीं है उसके अंदर, ऐसा नहीं है। वो एक जो जाली से उसका डिस्टेंस है, जो दांते उसके अंदर दिए हुए हैं तो ठीक लग गया वैसे तो। देखो बाकी सर्वश्रेष्ठ तो आपने बता ही दिया, हाथ वाला। अगर किसी से हो सके तो हाथ वाला। वो मैं करने